कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह, और दोस्तों टेक्नाइक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप सैमसंग ए सीरीज के फैन हो, स्पेशली A50 सीरीज के, यानी A52S के बाद के स्मार्टफोन का वेट कर रहे हो, तो अगला स्मार्टफोन A53 होने वाला है, जिसके रेंडर्स करीब करीब एक महीने पहले आए थे, ऑनलीक्स ने और डिजिट ने लीक किए थे, तब उन पता चला था, वहां पे स्पेसिफिकेशन भी पता चले थे, पता चला था कि ये जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। अब क्या है कि 91 मोबाइल्स की एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि जो नोएडा के पास की जो फैसिलिटी है, नोएडा में सैमसंग की फैसिलिटी सेंटर है, वहां पे इसका प्रोडक्शन चालू हो गया है, उनके खुद की रिपोर्ट है, एंड कहा गया है कि अगले 1 से 2 महीने में, पॉसिबली जैन फेब तक, कहा जा रहा है Q1 तो मार्च यूज में आ जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम लगाएंगे वो लोग, जैन फेब तक आपको ये इंडिया में देखने को मिल भी जाएगा। अब क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या सारी चीजें हैं, कितना ये डिफरेंट होगा A52S से, उन्हीं के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ज्यादा डिफरेंट होने वाला नहीं है, ऑलमोस्ट 95% समझ लो सेम ही स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं, बट क्या डिफरेंसेस होंगे सारी चीजों के ऊपर इसमें डिस्कस करेंगे। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्ले डिजाइन की, तो यहां पे आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। नॉर्मली 6.5 इंच का आपको इसमें सुपर एमोलेड का 120 हर्ट्ज वाला ही रिफ्रेश रेट रहेगा, पंच होल के साथ, रियर साइड पे पॉलीकार्बोनेट रहेगा, क्वाड कैमरा रहेगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, सैमसंग की ब्रांडिंग रहेगी। तो डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा इस बार थिकनेस थोड़ा सा कम होगा। नॉर्मली सैमसंग A52S की बात करोगे तो उसका थिकनेस जो है 8.4 mm का है, A53 जो होगा ये 8.14 mm का होगा, यानी उससे थोड़ा सा पतला होगा। सेकंड थिंग, A52S की बात करोगे तो थोड़ा सा कर्व्ड डिस्प्ले है, इस बार डिस्प्ले जो है थोड़ा फ्लैट आएगा हल्का सा, यानी जैसा अभी Redmi Note 11 Pro आया था, वो एप्पल आईफोन के जैसा फोन निकाले ना, वैसे टाइप का समझ लो। तो यहाँ पे एक डिफरेंसेस होगा डिस्प्ले डिजाइन में, बाकी और कुछ ज्यादा नहीं होगा। इसके बाद चिपसेट की बात करोगे तो सेम वही रहेगा जो है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। स्नैपड्रैगन 778G ऑक्टाकोर का चिपसेट, वही 6nm पे बेस्ड, बैटरी एफिशिएंसी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, एड्रीनो 642L, गेमिंग ग्राफिक्स अच्छी खासी दे देगा, 530,000-540,000 का स्कोर रहेगा, एंड एंड्रॉइड 11 के ऊपर ही पॉसिबली आएगा, जो कि One UI 3.1 के साथ आएगा, एंड्रॉइड 12 उसके बाद आएगा, लेकिन पहले आपको एंड्रॉइड 11 के ऊपर मिलेगा, ब्लोटवेयर्स नहीं रहेंगे, नॉक्स की सिक्योरिटी रहेगी, तगड़ा मिलने वाला है। चलिए मतलब वैसा ही रहेगा, उसमें ज्यादा कोई डिफरेंसेस आने वाले नहीं है। इसके बाद कैमरा की बात करोगे तो वहां पर भी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा आपको, 64 megapixel का प्राइमरी सेंसर रहेगा, F1.8 का अपर्चर रहेगा, OIS के सपोर्ट के साथ आएगा, 12 megapixel का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 5 megapixel के मैक्रो और डेप्थ, एंड रियर साइड से 4K कर पाओगे, फ्रंट से भी कर पाओगे जहां पे आपको 32 megapixel का सेंसर मिलेगा, एंड वहां से भी रियर पे फ्लैश रहेगा, फ्रंट में नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा फ्रंट और रियर दोनों साइड से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, कैमरा तगड़े रहेंगे इस बार, और बेटर ऑप्टिमाइज किया जाएगा, लेट्स सी देखते हैं क्या लेकर आती है। चलिए इसके बाद जाओगे बैटरी में, तो ऑब्वियसली अगर थिकनेस कम कर रहे हैं तो बैटरी ज्यादा बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज तो नहीं है, 4500 mAh की बैटरी रहेगी, 25W के चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा, ये देखने वाली बात होगी कि चार्जिंग देते हैं कि नहीं, चार्जर जो है 25W वाला देते हैं कि नहीं, ऐसे इस बार रिमूव करें तो पॉसिबली, लेट्स सी देखते हैं, जैसे आएगा वैसे इसके बारे में बता दूंगा। यानी बैटरी आपको डिसेंट मिलेगी, एंड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो रहेगा, फास्ट चार्जर डिपेंड करता है सैमसंग के ऊपर कि वो लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद सेंसर्स की बात करोगे तो इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स इस बार मिलने वाले हैं, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, फेस अनलॉक, एक्सेलेरोमीटर, एम्बेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, सारी चीजें मिल जाएंगी। एक चीज गायब रहेगी, 3.5 mm जैक, वो भी इस बार गायब होने वाली है, एंड काफी डिसअपॉइंटिंग है। चलिए मुझे लगता है देना चाहिए था, बट शायद इस बार नहीं देंगे, कोई बात नहीं, जो रेंडर्स हैं उसमें देख के पता चल रहा है कि 3.5 mm जैक नहीं है। बाकी जा रहे जितने भी सेंसर्स हैं सारे मिल जाएंगे, नॉक्स की सिक्योरिटी मिल जाएगी, एंड सारी चीजें भरपूर के मिलेंगी, वही 3.5 mm जैक का थोड़ा सा इशू। इसके बाद स्लॉट की बात करोगे तो आपको एक्सपांडेबल तो रहेगा, अब ये देखने वाली बात होगी कि हाइब्रिड देते हैं कि डेडिकेटेड देते हैं, मेरे हिसाब से इस बार भी आपको हाइब्रिड देखने को ही मिलेगा। वेरिएंट वही 6GB 128GB चालू होगा, प्राइसिंग कम मत सोचना कि कम आएगी, 35,000 से 40,000 के बीच में ही चालू होगी, एंड ये आपको देखने को मिलने वाला है, कहा जा रहा है जैन से लेके मार्च के बीच में इंडिया में, यानी फर्स्ट क्वार्टर में, मेरे हिसाब से जैन फेब तक लॉन्च हो जाना चाहिए, लेट्स सी देखते हैं कब तक लेकर आते हैं। वेट करोगे नहीं इसका जरूर बता देना, एंड कितने लोग A52S ले चुके हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना 30,000 के नीचे की प्राइस पे, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम स्मार्टफोन, ज्यादा कुछ डिफरेंसेस स्पेसिफिकेशन में देखने को नहीं मिल रहे हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, कैसा लगा स्मार्टफोन इसका, वेट करोगे क्या नहीं जरूर बता देना, पसंद है लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों पसंद है, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट करना खास नहीं करना, साइड में देखो बैकटेमेंट के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।